हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गर्मियों में फूल देने वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं में से 30 पौधों को हम बीजों से ग्रो करेंगे। आज से 15 से 16 दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें बताया था कि फरवरी मार्च में आप लोग इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। उस समय केवल आपको बताया था, बीजों को ग्रो करके नहीं दिखाया था, लेकिन आज हम इनके बीजों को ग्रो करेंगे क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हो गया है, धूप भी अच्छे से निकलने लगी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। फटाफट से इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। बीजों को किस तरीके से और कैसे ग्रो करना है, सबसे पहले बीजों को ग्रो करने के लिए मिट्टी का रेशो जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रिवर सैंड और कंपोस्ट इन दोनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लिया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिवर सैंड यानी कि रेत को जब आप लोग लेते हैं तो उनमें देखिए कई बार इस तरीके की मोटी बजरी वगैरह होती हैं, तो इनको आपको नहीं रखना है। यानी कि कोई भी इसमें कंकड़ पत्थर अगर आपको नजर आता है तो उसको आप लोग निकाल दीजिए। तीसरी चीज ये है, देखिए कोकोपीट, क्योंकि बीज जो होते हैं इनके लिए बहुत ही हल्की सॉफ्ट सॉइल मीडिया हमको बनानी है, इसलिए यहाँ पर आपको एक हिस्सा कोकोपीट को भी लेना है। यानी कि इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में आप लोग ले लीजिए। जितनी हल्की, जितनी वेल्डेन, जितनी भुरभुरी हमारी मिट्टी होगी उतने ही अच्छे से हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट होंगे। एक चम्मच फंगिसाइड पाउडर को भी मिला लीजिए ताकि मिट्टी में या फिर कोकोपीट में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह ना रहे। बीजों को ग्रो करने के लिए इस तरीके के मिट्टी के जो पॉट होते हैं इनकी गहराई कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। इस तरीके के पॉट में जब हम बीजों को लगाते हैं तो इनमें बीजों के सड़ने और गलने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि इनमें एक तो ओवरवाटरिंग नहीं होती है। अगर सीडलिंग ट्रे आपके पास है तो उनमें आप लोग ग्रो कर सकते हैं। वैसे ऐसे कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, किसी भी पॉट में आप लोग बीजों को ग्रो कर सकते हैं। केवल आपको पानी का ध्यान रखना है ताकि आपके बीज सड़े ना, गले ना। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है यह है विनका या सदाबहार का। ये इनकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी कॉमन यानी कि देसी वाली जो वैरायटी होती है उसमें 2-3 कलर ही आते हैं, लेकिन दोनों ही वैरायटी को इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं, तो इनके बीजों को इस तरीके से मिट्टी में आपको स्प्रिंकल कर देना है। इनके बीज इस समय आप लोग लगाओगे तो 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए अडेनियम के। ये परमानेंट ही पौधे हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से फूलों में आते हैं। इनके पौधे नर्सरी से अगर आप लोग लेने जाओगे तो ये काफी कॉस्टली भी मिलते हैं, तो इसलिए इस समय इनको बीजों से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। बीजों को लगाते हुए सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक दूसरे के ऊपर बीज को नहीं चढ़ाना है, बीज को 1 से 1.5 इंच की दूरी पर लगाना है। यानी कि एक दूसरे को इस तरीके से अलग अलग करके बीजों को आपको लगाना है। एक दूसरे के ऊपर बीज अगर चढ़ जाएंगे तो वो ग्रो होने में थोड़ा मुश्किल करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसकॉम के। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप बीजों को कहाँ से मंगाते हैं, तो देखिए मैं तो हमेशा इनके बीजों को सेव करके कलेक्ट करके रखती हूँ, जैसे ही इनका सीजन आता है इनको ग्रो कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये बीज नहीं है, आप लोग इनको लगाना चाहते हैं, तो या तो आप लोग, आपके यहाँ पर नर्सरी पर मिल जाते हैं तो नर्सरी से लीजिए, या फिर जो एग्रीकल्चर की शॉप होती है जहाँ पर खेती बाड़ी का सामान मिलता है आप लोग वहाँ से इनको खरीदिए, क्योंकि ऑनलाइन आज तक मैंने इनको नहीं मंगाया है, ऑनलाइन का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए रेन लिली के। इनके भी बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके भी जो बीज होते हैं 10 से 15 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को भी इस तरीके से आपको मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है, रख देना है। बीजों को लगाने के बाद जिस मिट्टी में हमने इनको लगाया है उसी मिट्टी से ऊपर से इनको ढक देंगे। यानी कि बीजों के ऊपर से 1-1 इंच की मिट्टी की लेयर को देखिए इस तरीके से बिछा देंगे। बहुत ज्यादा ऊपर से मिट्टी आपको नहीं डालनी है। अगर ऊपर से ज्यादा मिट्टी आप लोग डाल देंगे तो इनके जो बीज है ये जर्मिनेट तो हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी के बाहर तक यानी कि ऊपर तक ये निकल करके नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर इनके जो बीज है वो गल जाएंगे। बीजों को ग्रो करने के बाद अब बारी आती है कि पानी आपको कैसे देना है। तो देखिए, 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लिया है। वैसे इसको मिट्टी में भी हमने मिला लिया था, लेकिन बीजों को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क हम नहीं उठाएंगे। पानी आपको कैसे देना है, जब तक आपके बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं तब तक किसी भी स्प्रेयर बोतल से
इस तरीके से आपको पानी देना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो हाथ लगा करके आराम से ध्यान से पानी दीजिए, ताकि इनके जो बीज हैं वो मिट्टी में इधर उधर ना हो जाए। बीजों को लगाने के बाद देखिए इस तरीके की ये जो पॉलोथीन होती है व्हाइट कलर की, इन पॉलोथीन से जिस भी डिस्पोजल में पॉट में आपने बीजों को ग्रो किया है उनको इस तरीके से कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। इनको इस समय ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धूप तो अभी निकलने लगी है लेकिन रातें ठंडी है, यानी कि रात को ओस पड़ती है। इसलिए जब तक आपके बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं, जब तक इस तरीके से आप इन बीजों को ढक करके रखेंगे, और आपको इनको ऐसी जगह रखना है जहां सुबह की 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ जाए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए अपराजिता की बेल। मेरे पास इसके ब्लू और व्हाइट ये दो ही कलर हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आप इनको सर्च करेंगे तो ये कई सारे रंगों में अब आने लगे हैं। इनके जो बीज हैं तेज गर्मी और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, तो 3 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन फरवरी में, यानी कि अब इनके बीजों को आप लोग ग्रो करेंगे तो ग्रो होने में कम से कम 10 से 12 दिन ले लेंगे। जो पौधे हैं ये है देखिए कनेर के, ये कई सारी कलर वैरायटी में आते हैं। कनेर में हाईवी वैरायटी के जो पौधे आते हैं उनकी हाइट भी कम रहती है, यानी कि वो ड्वार्फ वैरायटी के कहलाए जाते हैं, और कई सारे रंगों के बीज आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। मैंने तो अपने ही पौधों से इनको हार्वेस्ट किया है। इनके जो बीज हैं ग्रो होने में 10 से 15 दिन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को देखिए इस तरीके से मिट्टी में आपको केवल स्प्रिंकल कर देना है। इनके भी जो बीज है ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। ये जो हाईवी वैरायटी के लैंटाना होते हैं इनमें आपको बहुत सारे रंगों के बीज मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो देसी यानी कि कॉमन सी वैरायटी होती है उसमें केवल 2 कलर ही आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज है थोड़ा हार्डी होते हैं, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरीके से 1-1.5 इंच की दूरी से इनके बीजों को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गोनफिरिना के। ये फूल भी ऐसे होते हैं, एक बार खिलने के बाद 2-2 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। इनके फूल जब सूख जाते हैं यही इनके बीज होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके भी बीजों को आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड के। इनमें जो जाफरी मैरीगोल्ड या फिर इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो सूखे फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके से अगर ये ब्लैक ब्लैक कलर के हैं तो ये इनके बीज हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन है या येलो है फिर वो अभी कच्चे हैं। ये है देखिए लोटस के। लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8-10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज़्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके जो बीज हैं 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मॉस रोज, पोर्चुला का या फिर 9 o'clock के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी डिफरेंट कलर वैरायटी में आते हैं, और समर का इनको राजा भी कहा जाता है, क्योंकि समर के 45 या फिर 50 तक भी टेम्परेचर हो जाता है तब भी ये जो पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं 3-4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये है देखिए पर्सलेन, ये मॉसरोज की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इनके जो फूल हैं जैसे ही सूरज निकलता है खिल जाते हैं, और 12-1 बजे तक धीरे धीरे इनके फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन 9 o'clock यानी कि पोर्चुलाका के जो फूल होते हैं वो सुबह को खिलने के बाद शाम तक खिले रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए ग्लैडिया के। इसमें भी ज़्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज येलो ये इसी तरीके से 2-3 कलर में आते हैं। लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं।
तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे फूल जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। देखिए जीनिया के ये 2-3 वैरायटी में आते हैं। इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनके ड्वार्फ वाली वैरायटी जो होती है जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है, जैसे हम विंका को सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन, ये एक बेल है। जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंटी बेल है, केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी एक बेल ही है, इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो फूल हैं जैसे ही सूरज निकलता है खिल जाते हैं और 10 से 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। कई सारे रंगों में आती है। इसकी जो देसी वाली वैरायटी है उसमें तो 2 कलर ही आप देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के जो इनके बीज अब आने लगे हैं वो कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, इनके जो बीज हैं 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये भी परमानेंटी बेल है। ये है देखिए बेबी सनरोज, इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज़्यादातर इसमें पिंक और रेड ये 2 कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विंका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया के, ये पौधे भी कई सारे रंगों में आते हैं, ये भी परमानेंटी होते हैं। इनके भी जो पौधे हैं जहाँ जहाँ इनके बीज खुल करके गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ ये उगते रहते हैं। ये पौधे भी लगभग पूरा साल चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए जरबेरा के, जरबेरा को लोग कहते हैं कि ये विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। तो इनको अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे अडेनियम के बीजों को हम लोग ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से इनके बीजों को भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोलियस के, हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटियों में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला ये जो पौधा है इस पौधे के तो क्या ही कहने, सबसे पहली बात तो आप इस पौधे को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हैं। दूसरी बात, समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय ये पौधा अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आपकी आँखों को तो ठंडक देता ही है। दूसरी बात, आपके जो और पौधे लगे हुए रहते हैं उन पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाता है, इसलिए इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं तो इनके बीजों को भी आप लोग फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सभी पौधों के बीजों को हमने लगा दिया है, लगाने के बाद इनको कहाँ रखना है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है, बीजों में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके जो बीज है वो गल जाएंगे। और जब भी आपके बीज ग्रो हो जाते हैं जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं पॉलोथीन को तुरंत हटा देना है। हटाने के बाद इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।